खबर लैने गढ़शंकर तो जिथे सहायक प्रोफेसर लाइब्रेरियन दी भर्ती मुकम्मल करवाउण लई संघर्ष कर रहे बेरोजगारां विचों इक अध्यापिका बलविंदर कौर की आत्महत्या के दोषियों नूं सजा दवाउण अते बलविंदर कौर के परिवार नूं इंसाफ दवाउण लई डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट वल्लों सिक्ख्या मंत्री दीआं अर्थियां फूकण दे दित्ते सद्दे तहत स्थानक इकाई वल्लों कचहरी मूहरी सिक्ख्या मंत्री दी अर्थी फूक मुजाहरा कीता गया। डीटीएफ आगूआं ने कहा कि मृतका वल्लों लिखे आत्महत्या नोट मुताबिक दोषियों खिलाफ फौरी FIR दर्ज करन ते समुची जांच हाई कोर्ट दे सिटिंग जज तो करवाउण दी मंग कीती है। धरने प्रदर्शना राही सत्ता प्राप्त करना वाली सरकार दा हरेक हक्की संघर्ष प्रति नापक्षी अते हंकारी रवैया लगातार उजागर हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 50 दिन तो उचेरी अते स्कूल सिक्ख्या मंत्री दे जद्दी पिंड गंभीरपुर विखे पक्के धरने ते बैठी सहायक प्रोफेसरां दे मामले विच भी कोई वाजिब हल कढ़न दी थां मंत्री अते सरकार दे होर नुमाइंदे गलबात करन तो भी इनकारी कर रहे ने। इस करके अजिहे गैर जमरूही सरकारी रवैये अते बेरोजगारी दी सताई एक अध्यापिका नूं खुदकुशी करन लई मजबूर होना पिया। डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट ने मंग की है कि इस मामले विच अत दर्जे दी संवेदनहीनता तो कम लैण वाले सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस तो मुख्यमंत्री द्वारा अस्तीफा लेना चाहिए तां कि ओह जांच नूं प्रभावित ना कर सकन। खुदकुशी करन वाली अध्यापिका दे परिवार लई बनदा इंसाफ अते संघर्षी 1158 सहायक प्रोफेसरां नाल गल्लबात करके मसले दा वाजिब हल कढ़न दी मंग भी कीती है। इस मौके होर की गलबात हुई है, आओ मारदे पूरी खबर ते नज़र। अज डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट पंजाब के सूबा पद्धरी जिते सदे तहत अज कचहरियां के अगर डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट पंजाब की स्थानक इकाई वालों जिहड़ा हैंकड़वास सिक्ख्या मंत्री ते असंवेदनशील है जिहदा रवैया अध्यापकों के प्रति बहुत ही माड़ा है उत्थे लगातार 50 दिन तो बेरोजगार जिहड़े एसोसीएट प्रोफेसर बैठे आ ETT वाले बैठे आ उन्होंने गलबात करन दी बजाए वो अनदेखी कर रहा ते ये असंवेदनशील अपना रवैया प्रगट कर रहा ते उहदे विच पिछले 50 दिन तो जिहड़े वो 1158 प्रोफेसर दे राइबेरन बैठे आ उन्हां चों एक बलविंदर कौर जिहड़ी एसोसीएट प्रोफेसर सी उहनूं खुदकुशी करन लई मजबूर होना पिया। उहदे हत्थ लिखे नोट्स दे अनुसार सुइसाइड जिहड़ा नोट लिखिया असीं समझदे हां कि पंजाब सरकार जिन्हां पर उन्होंने उस टाइम उंगली उठाई वो नोट्स के उपर उन्हों पर परचा दर्ज करे तो सिक्ख्या मंत्री आ वो तो अस्तीफा लवे तो असी मंग करते हैं कि इहदी जांच पूरी सिटिंग जज तो करवाई जाए ता कि जिहड़े साडे पेड़ पढ़े लिखे बेरोजगार साथी आ उन्हां नूं इहो जिहा काम ना द्वारा फिर इहो जिहा स्टैप ना उठाना पवे। असीं पंजाब सरकार तो यह भी मंग करते हाँ कि जिन्नियां भी खाली असामियां चाहे कॉलेजां 'च है चाहे प्राइमरी स्कूलों 'च है सैकंडरी स्कूलों 'च है वो पहल के आधार पर भरे। अगर ये कोई फैसला ना किया इस टाइम तो असी जिदा अज पहले आधार से दो दिन के पुतले फूकते से जिसे गढ़शंकर हुशियारपुर पूरे पंजाब वखरे वखरे तरह पुतले फूके जा रहे हैं। अगर जे सरकार ने कोई अपना रवैया ना बदलिया तो असी आने वाले समय के पंजाब सरकार के खिलाफ वड्डा संघर्ष छेड़ा। गढ़शंकर तो बिट्टू चौहान की रिपोर्ट।